हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय सी क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर। ये तीन टॉपिक में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोल को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, राइट। क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण क्या कर लेता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जो कि क्या होता है, जब वो प्योर कोल का पार्ट ही नहीं है। अगर हम कोल को अगर देखते हैं, कोल का जीसीबी देखते हैं, तो जीसीबी भी इम्पेक्ट डाल रहा है, क्योंकि प्योर जीसीबी तो है नहीं वो, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गया है, एड हो गया है। तो उसी प्रकार उसको क्या करते हैं, उसका वैल्यू हटाते हैं। हटाने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगा, वही हमारा क्या रहेगा, जीसीबी रहेगा, या उस कोल का क्वालिटी शो करेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग रहता है, ऑक्सीजन के साथ जाके क्या कर लेता है, वो रिएक्ट करता है, और उसके बाद क्या कर लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एनालिसिस अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर आता है। अल्टीमेट एनालिसिस हम आईएस के द्वारा करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम आईएस 1350 के अंदर हम करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू कार्बन डाइऑक्साइड का, बेसिक इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट। इसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है। ये हम एक असेंबली बता देख रहा होगा आपको फोटो के जरिए, एक असेंबली तैयार की है। इस असेंबली को तैयार करने के लिए हमको बहुत सारे ऑपरेटर्स केमिकल की जरूरत होता है। तो इस असेंबली को तैयार करने के लिए हमको तीन यू आकार का नली, मतलब यू ट्यूब की जरूरत होता है, और छोटे छोटे फिर ग्लास रॉड की जरूरत होता है, है ना, और एक गोल फ्लास्क की जरूरत होता है। केमिकल भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, और HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम परक्लोरेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। तो इस सब की जरूरत पड़ता है। लास्ट में हमको कोल सैंपल की जरूरत पड़ेगी, जिसका हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, राइट। तो ये हमारे पास पूरा, जब ऑपरेटर्स या केमिकल्स आपके पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, तब आप नेक्स्ट स्टेप में तैयार कर सकते हैं। और पूरा असेंबली तैयार है तो केवल आपको टेस्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेट मशीन में 5 ग्राम कोल लेते हैं, याद रखिएगा। ये पूरा असेंबली हम तैयार करके रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 ग्राम कोल लेते हैं, याद रखिएगा। 5 ग्राम क्या करते हैं, कोल लेते हैं। किसमें लेते हैं, तो एक नाव आकार का या डोंगा आकार का आप देख सकते हैं, उसमें एक क्रूसिबल आता है। उस क्रूसिबल से हम क्या करते हैं, 5 ग्राम कोल का वेट लेते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस कोल को हम इस जो ग्लास है, गोल राउंड फ्लास्क, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस राउंड फ्लास्क में हमको डालना है, राइट। इस राउंड फ्लास्क में हम क्या कर दिए, 5 ग्राम कोल डाल दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड N2CO Cl2 हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या डालते हैं, इसमें डाल दिए 1 ग्राम। फिर इसको क्या करते हैं, इसमें डीएम वाटर डालना है, डीएम वाटर थोड़ा सा डालना है। इसको एकदम गाढ़ा टाइप इसका सॉल्यूशन बनाना है, जैसे कि सीरा आपने देखे होंगे, जो शक्कर और पानी का रहता है, तो पानी कम रहता है, शक्कर ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार हमको इस कोल और अमोनिया के सॉल्यूशन में थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है, लिक्विड है, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, राइट। इसको बस थोड़ा सा मिक्स करने के लिए है, ताकि होमोजीनियस हो जाए सैंपल। उसके बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद नीचे स्प्रिट से, याद रखिएगा, इसको स्प्रिट से जलाना होता है। स्प्रिट से हम क्या कर देते हैं, इसको जलाते हैं। अब जलाने के बाद थोड़ा देर के बाद क्या करते हैं, यहाँ से, याद रखिएगा, यहाँ से हमको क्या करना है, ये सॉल्यूशन डालना है, 0.0 क्या करना है हमको, 20%, याद रखिएगा, 20% HCl का 15 ml, याद रखिएगा, 15 ml हमको क्या करना है, HCl इसी में डालना है, इसी ग्राउंड फ्लास्क में डालना है, राइट। अब वो जल रहा है, जलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे, अब हमारे पास थोड़ा सा आप ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यू आकार का नली हमारा, यू आकार का नली यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये इस ट्यूब में जुड़ा होता है। इसका काम क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे फनल है, ये राड में जाके ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये मेन है, यहीं पर हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ट्रैप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर ट्रैप होता है, तो इसके आधा भाग में क्या रहता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट रहता है, और आधा भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्लैक पायलेट रहता है। तो ये दोनों में रहता है। यहीं पर जब यहाँ से हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पूरा नली होते हुए यहाँ पे आता है, और यहीं पे जाके क्या हो जाता है, वो अरेंज होता है। तो सबसे पहले इसका हम वेट लेते हैं, याद रखिएगा, इसको निकालते हैं, बाहर निकाल के वेट लेते हैं। वेट आया, मान लो, याद रखिएगा, इसका फर्स्ट वेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट वेट कितना आया, 10 आया, ठीक है। मान लो कितना हो गया, 10 ग्राम
मैं ग्राम में ही मान लेता हूँ, इसमें और भरा रहता है तो 100 से ऊपर जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूँ। मान लो इसका वेट आया 10 ग्राम, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जला रहे हैं, और यहाँ ये यूज ट्यूब में याद रखिएगा मैग्नीशियम परक्लोरेट भरा हुआ है, जो कि क्या करता है, मॉइस्चर ट्रिप का काम करता है, राइट। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कापर का बुरादा भरा हुआ, कापर का छिलका भरा हुआ है इस ट्यूब में, याद रखिएगा। और इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है, इस ट्यूब में भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट के ट्यूब में यहाँ भी, मैं यहाँ अलग से बना दिया हूँ, यहाँ से इस ट्यूब में और इस ट्यूब में, दोनों एक ही सीरीज में जला है ना, तो दोनों जगह क्या लगा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ है, डला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद थोड़ा देर के बाद क्या डालते हैं, HCl डाल दिए। HCl डालने के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, बबल आने लगता है। दोनों एक साथ बबल आना चाहिए, याद रखिएगा। आपको फिर क्या करना है, स्टॉप वॉच के साथ 10 मिनट के लिए, याद रखिएगा, 10 मिनट के लिए आपको सिंपल को क्या करना है, रख लेना है, बर्निंग कराना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक स्टॉप वॉच में ना बर्निंग कराना है, ठीक। अब बर्निंग कराते हैं तो यहाँ से ये, यहाँ से बबल आता है, और यहाँ से बबल क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है। जब बबल ऊपर नीचे होने लगता है, मतलब हमारा रिएक्शन सही से चल रहा है, हमारा जो क्या है, असेंबली है जो एकदम एक्यूरेट तैयार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एनालिसिस के लिए आपको असेंबली तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर असेंबली में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मेनली क्या होता है, आपको असेंबली तैयार करना होता है, राइट। जब ये बबल आने लगता है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे क्या होता है, इसमें ट्रिप होने लगता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे ट्रैप होता है। अब 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, राइट। 10 मिनट बाद क्या करना है, आपको बंद करना है, और फिर से आपको इसको अलग करना है, और फिर से इसका वेट लेना है। तो वेट लेना है मतलब उसमें कुछ ना कुछ ट्रिप हुआ है, तो मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगा। तो मान लो उसका कितना हो जाता है, 10.5। मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हो सकता है वैल्यू ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए। तो 10.5 कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट चेक करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट चेक करने के लिए क्या होता है, B-A कर लेते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट पता चल जाता है। मतलब सेकेंड रीडिंग ये हो जाएगा, 10.5 माइनस कितना होता है, 10। तो इसके बाद हमारे पास जो आया 0.5% हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है इस सैंपल का, कितना रहा, 0.5%, राइट। अब इस 0.5% को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू रहेगा या GCV का रहेगा, उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको घटाते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही GCV वैल्यू होगा, राइट। तो ये असेंबली तैयार करना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी एनालिसिस तो बहुत छोटा है, ठीक है, 10 मिनट का एनालिसिस है, लेकिन आपके पास जब एनालिसिस के लिए असेंबली ही नहीं है तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, राइट। इसको हम एक बार क्विक रीजन करा देते हैं ताकि आपका फेशियल क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक असेंबली तैयार करते हैं। जब आपके पास असेंबली तैयार हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नाव आकार का हमारे पास क्या है, क्रूसिबल है, उसमें हम 5 ग्राम कोल सैंपल दिए हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, उसको राउंड फ्लास्क में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें हल्का सा DM आटा डालते हैं ताकि वो घुल जाए। जैसे सीरा बनाते हैं ना, सीरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शक्कर का अमाउंट ज़्यादा लेते हैं, पानी का अमाउंट कम लेते हैं, उसी प्रकार हमको सीरा बनाना है इसमें, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे से स्प्रिट लैंप से आग लगाते हैं। स्प्रिट लैंप जलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बॉयल होने लगता है। फिर कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, 20% हम क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं इसमें 15 ml। 15 ml जब डालते हैं तो कुछ मिनट के बाद क्या होने लगता है, ये बॉयल होने लगता है। अब जब बॉयल होने लगता है तो ये लास्ट का हमारे पास एक ऑपरेटस है, और जस्ट इसके बाद वाले जो यहाँ हमारे पास चेंबर जो जिसमें आग लगाए हैं, दोनों के आजू बाजू में क्या होता है, एक बबल उत्पन्न होने लगता है। उस बबल में क्या भरा रहता है, ये बबल वाले टैंक में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, याद रखिएगा। इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर बबल नहीं आया दोनों में से एक, तो कहीं ना कहीं लीकेज है, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो आपको वहीं पे रोक देना है। अगर आपके पास कंप्लीट बबल आने लगा तो आपको सैंपल को 10 मिनट तक के स्टॉप वॉच लगा के रखना है। जब 10 मिनट बाद हो गया तो आपको यहाँ से लेम को हटाना है, हटाने के बाद आपको यहाँ से वेट लेना है। याद रखिएगा, इसको हम सबसे पहले वेट ले चुके थे। वेट लेने के बाद जो हमारे पास पहला वेट आया वो इनिशियल वेट, और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वेट। तो हमको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट निकल जाता है, राइट। तो ये एक सैंपल हो गया। फिर से नेक्स्ट सैंपल लगाना है तो उससे पहले आपको करना होगा इसका वेट, तो उस पर फिर क्या हो जाएगा, फाइनल, फिर से इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल होगा, फिर से आपको
सिंपल रन कराना है, फिर से इसका जब 10 मिनट हो जाएगा तो फिर से इसका वेट लोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेट। तो उसकी तरह क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूशन में आपका सिंपल चलते जाएगा और हर एक 10 मिनट में आपका एक सिंपल का एनालिसिस हो जाएगा। मेन होता है इसका ये असेंबली तैयार करना, असेंबली एक बार तैयार हो गया तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। बहुत ईजी प्रोसीजर है, बहुत आसान है, आपको करोगे तो बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए थैंक यू।